हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू माय न्यू फूड व्लॉग। और मैं हूँ इस समय बलिया के होटल आनंदी इन में, और मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है एग बिरयानी। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। और इसके अलावा मैंने जो ऑर्डर किया है वो है वेज नूडल, उसको भी आने में थोड़ा 5 मिनट लगेगा, तो जैसे ही आता है मैं उसका भी टेस्ट आपको खा के बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस रेस्टोरेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसा है ये रेस्टोरेंट, आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इस बिरयानी को टेस्ट करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले चेक करते हैं बिरयानी, पहले लेते हैं थोड़ा सा। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी अल जवाहर, जो कि जामा मस्जिद की थी, अल जवाहर रेस्टोरेंट की, उसकी जो बिरयानी थी, इस बिरयानी में अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ तो इस बिरयानी की खुशबू अभी से आने लग गई है। और इसके साथ मिलता है आपको रायता। और चलिए फिर इसको टेस्ट करता हूँ। टेस्ट अच्छा है, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, चावल की क्वालिटी की बात करता हूँ वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें है काली मिर्च, लौंग, धनिया पत्ता, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप बलिया से हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देन हाईली रिकमेंड टू ट्राई एग बिरयानी एट होटल आनंदी इन, काफ़ी बेस्ट है। अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूँ अल जवाहर रेस्टोरेंट जामा मस्जिद से, तो इन माय ओपिनियन उसकी कॉस्ट है 230 रुपीज़ फॉर हाफ प्लेट की। और इसका जो प्राइस है वो है आपको 140 रुपीज़ का। इसके साथ ये रायता भी है, जबकि वहाँ पर रायता नहीं था। और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, कंपेयर करता हूँ दोनों में तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। तो एग खाते हैं, एग का रखा कर ट्राई करते हैं। एग भी काफ़ी सॉफ्ट है, हाँ जी, अभी तक देखा जाए तो मैंने बलिया में कई जगह बिरयानी ट्राई करी है, लेकिन अभी तक की सबसे बेस्ट बिरयानी ये है। यहाँ की जो इस बिरयानी की जो सबसे स्पेशल चीज़ मुझे वो लगी यहाँ के मसाले, और जैसी बिरयानी की जो खुशबू है वो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही है, काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी। तो इसके बाद मैंने नूडल ऑर्डर भी किया है, वो जैसे आता है उसका भी टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं। हालांकि अगर मैं बिरयानी की बात करता हूँ दैट इज़ ऑसम, अगर इसकी मैं रेटिंग की बात करता हूँ तो आई विल गिव 9 out of 10 और एवरीथिंग इज़ गुड। और रायता भी ज़रा टेस्ट करते हैं कैसा है कैसा नहीं। रायता भी गुड है, अच्छा है। तो चलिए थोड़ा वेट कीजिए, जैसी नूडल आता है मैं उसका भी टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है टेस्ट। तो अब आ गया हमारा वेज नूडल, और इसको खाते हैं और ट्राई करते हैं कैसा है। जो स्मेल है इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है, और
और इसको हम करते हैं टेस्ट, और मैं आपको बताता हूँ कैसा है। ठीक है, तो इसको करते हैं टेस्ट। हालांकि ये जो वेज नूडल्स है मैंने अपने लिए थोड़े स्पाइसी बनाया है, आप जैसा आप खाते हो वैसा उस हिसाब से बोल के बनवा सकते हैं। इसको चेक करते हैं। ऑसम, काफ़ी अच्छा टेस्ट है यार। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा। एक बाइट और लेता हूँ, आपको बताता हूँ। ऑसम टेस्ट, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अगर तो मैं इसकी रेटिंग की बात करता हूँ, इन माय तो 10 out of 10 है। अगर आप बलिया से हैं आप यहाँ पे वेज चाउमिन भी ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और बिरयानी का जो टेस्ट था वो भी टॉप था, और इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि जो बिरयानी थी वो बेस्ट बिरयानी इन बलिया है, और चाउमिन भी काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ होटल आनंदी इनको, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लगा ये। अगर आप छोटी मोटी पार्टी करना चाहते हैं या फिर डिनर वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए इन माय ओपिनियन बेस्ट प्लेस है। और यहाँ के जो खाने का जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा होटल आनंदी इन के लिए, क्योंकि यहाँ की जो फूड की क्वालिटी है दैट इज़ टू मच ऑसम। चाउमिन भी टॉप था, बेस्ट था, और एग बिरयानी भी बेस्ट थी, और चाउमिन हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार। सो आई होप कि आज की जो वीडियो थी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ और है, आप प्लीज़ आइए यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताइए आपको फूड कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।